हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे कैलेंडर पर, और कैलेंडर में सीखेंगे किसी भी तारीख का बार ज्ञात करना। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से पढ़ाने का रीज़न ये है कि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपके मंथ कोड गलत है या आपके बार कोड गलत है, कि सोमवार का कोड तो एक होता है, आपने दो बताया है, आपकी तो ट्रिक गलत है। दोस्तों कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है। आप केवल एक ट्रिक को फॉलो कीजिए, या तो हमारी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए या फिर आपको जो ट्रिक सही लग रही है उसको फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि मंथ कोड हमारे याद कर लिए, बार कोड किसी और के याद कर लिए, फिर तो आंसर गलत होना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोड गलत है या फिर सही है, इसके बाद देखेंगे हम किसी भी तारीख का बार याद करना। देखिए आपके सामने 12 महीनों के 12 कोड है, 144, 025, 036, 146 और 7 बारों के 7 कोड है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, मंथ कोड और बार कोड में एक एक कम कर देते हैं, एक एक कम कर देते हैं। देखिए 144 में एक एक कम करेंगे, यानी प्रत्येक कोड में एक एक कम करेंगे, तो देखिए एक में एक कम करेंगे तो जीरो, चार में एक कम करेंगे तो तीन, चार में एक कम करेंगे तो तीन, यानी इस प्रकार से आपके कोड होंगे शायद 033, 614, 625, 035, ये कोड होंगे आपके। देखिए जीरो में एक कम करेंगे, दोस्तों कैलेंडर में जीरो का मतलब सात होता है, ठीक है ना। सात में एक कम करेंगे तो छः, दो में एक कम करेंगे तो एक, पाँच में एक कम करेंगे तो चार, यानी 614 वही कोड आ रहा है जो आप बता रहे हैं। अब इन कोडों में भी हम, यानी बार कोडों में भी हम एक एक कम करेंगे। देखिए एक में एक कम करेंगे तो जीरो, जीरो का मतलब रविवार, दो में एक कम करेंगे तो एक, एक का मतलब सोमवार। आ गई ना बात समझ में? आपने क्या किया है, हमारे ही इन कोडों में एक एक कम कर दिए, बस इतना सा फर्क है। अब आप इसको फॉलो कीजिए, या फिर आपने एक एक कम किया है उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सीखते हैं किसी भी तारीख का बार याद करना। देखिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो याद करनी होंगी, जैसे मंथ कोड है और शताब्दी कोड। बार कोड तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, एक से स्टार्ट करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार से लास्ट में छः के बाद सात नहीं लेना, जीरो। मैंने बताया जीरो का मतलब सात होता है और सात का मतलब जीरो होता है कैलेंडर में, ठीक है ना। अब आपको याद कैसे करने हैं मंथ कोड, देखिए शुरू के जो तीन महीने हैं उनका कोड है 144, यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अंतिम जो तीन महीने हैं उनका कोड है 146, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। फर्स्ट में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब सेकंड में है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 में जीरो लगा देना बस, 0 25, और इसके बाद है 6 का स्क्वायर यानी 0 36, ऐसे याद कर लेना। कुछ नहीं है याद करने में दोस्तों, आप दो तीन क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए 5 दिन तक लगातार, मेरी गारंटी आपको सारे कोड याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको तीन तीन का पेयर बना लेना है, कैसे, 144, 025, 036, 146, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बात और, जब क्वेश्चन लीप बर्थ से पूछा जाए, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जब क्वेश्चन लीप बर्थ से पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे, बाकी कोड सेम रहेंगे, ठीक है ना। जैसे 2016 है, 2028, यानी लीप बर्थ से क्वेश्चन पूछा जाए और जनवरी फरवरी से आवे तो जनवरी फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे, केवल एक एक कम कर देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं शताब्दी कोडों की, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए कोड होगा 6। कोड इनमें से ही होंगे दोस्तों, 6420, 6420, 6420। अब आप कहेंगे सर आपने तो 4-5 शताब्दियों के कोड बता दिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 21 शताब्दी से तो कोड क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको शताब्दी के कोड भी निकालना सिखाता हूँ। देखिए शताब्दी में आपको 400 का भाग देना है, शताब्दी में 400 का भाग देना है, यदि शेष 0 आए, कितना आए 0, तो कोड होगा 6, यानी 1600 में हम 400 का भाग देंगे तो 4 चौका 1600, 0 शेष फल आएगा और 0 शेष फल के लिए कोड होगा 6। 100 शेष आए तो कोड होगा हमारा 4,
200 शेष आए तो हमारा कॉर्ड होगा 2, यानी 1700 में हम 400 का भाग देंगे, 400 का 1600, 100 शेष आएगा, 100 का कॉर्ड 4, 1800 में हम 400 का भाग देंगे तो 200 शेष आएगा, 200 के लिए 2, और 1900 में हम 400 का भाग देंगे 300 शेष आएगा, और 300 के लिए कॉर्ड क्या होगा, 0, ठीक है ना। 300 दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 300 शेष आए तो कॉर्ड होगा 0, 2000 में 400 का भाग देंगे तो 4 5 20 यानी 2000, 0 शेष आएगा, 0 शेष के लिए कॉर्ड क्या होगा, 6, ये वाला, ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम 4-5 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जिससे सारे डाउट खत्म हो सके। तो सबसे पहले हम सूत्र के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सूत्र है आपके सामने, तारीख प्लस महाकोण प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोण बटे 7, 7 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वो बार का कोण होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट देखिए हमसे पूछ लिया जाए, बताइए 1 सितंबर 2019 को कौन सा वार था, 1 सितंबर 2019 को कौन सा वार था। देखिए तारीख की जगह पर तारीख प्लस सितंबर का कोण कितना है, 6, प्लस वर्ष कितने हैं, ये वर्ष कितने हैं, 19, 19 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 19 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 4 चौका 16, ठीक है। प्लस शताब्दी कोण, शताब्दी कितनी है, 20 कंप्लीट है, तो 20 यानी 2000 के लिए कोण 6, 7 का भाग देना है, कीजिए सबको ऐड, 1 और 6 7 और 19 26 और 4 30 और 6 36, 36 में हम 7 का भाग देंगे, 7 5 35, 1 शेषफल बचेगा, भाग कितनी बार गया इससे कोई मतलब नहीं है, शेषफल कितना आया बस इसका ध्यान रखना है, 7 5 35, 1 शेष आएगा, 1 का मतलब क्या है, रविवार, तो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का रविवार, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखिए मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो दोस्तों देखिए तारीख की जगह पर तारीख 15 प्लस महाकोण अगस्त का कोण क्या है, देखिए 3, प्लस वर्ष कितने हैं, 47, प्लस 47 में लीप वर्ष, तो 47 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेष कितना बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कम ही रखना है, तो 11 चौक 44, ठीक है ना। प्लस शताब्दी कोण, 19 शताब्दी कंप्लीट है तो कोण क्या होगा, 0, सबको ऐड कीजिए और 7 का भाग दीजिए, 15 3 18 18 और 47 आपके हो गए 65 65 और 11 76, यानी 76 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 2 70, 6 शेष बचेगा और 6 के लिए कोण क्या है, शुक्रवार, यानी 6 शुक्रवार का कोड है, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम सारे डाउटों को खत्म करेंगे। देखिए मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए गांधी जी का जन्म किस बार को हुआ, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी का जन्म किस तिथि को हुआ पहले, तो तभी तो हम बार निकाल सकते हैं। तो देखिए गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर, कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है ना। यही चीज हमसे पूछ रहा है, बताइए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था। तो दोस्तों देखिए तारीख की जगह पर तारीख 2, अक्टूबर का कोड क्या होगा, 1 होगा, अक्टूबर का कोड 1, प्लस वर्ष कितने हैं, 69, 69 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 7 चौक 28, यानी 17, प्लस 1800 के लिए कोड 2, सबको ऐड कीजिए 7 का भाग दीजिए, 2 और 1 3 69 और 3 72 72 और 17 89 89 और 2 91, यानी 91 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 21, 0 शेष आएगा, और 0 शेष का मतलब शनिवार, यानी गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, देखिए आप तो पढ़िए बस, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3 फरवरी
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझना है। 3 फरवरी 2016 को कौन सा वार था? तो देखिए, तारीख की जगह पर तारीख प्लस फरवरी का कोड क्या है? 4। दोस्तों अब फरवरी का कोड हम 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 4 चौका 16, और लीप वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है और फरवरी से, ठीक है ना। तो जनवरी फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं लीप वर्ष में, तो फरवरी का कोड 4 की जगह पर क्या होगा? 3 होगा। 3 प्लस वर्ष कितने? 16 प्लस 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 4 प्लस 2000 यानी 20 के लिए कोड क्या है? 6। सबको ऐड कीजिए और 7 का भाग दीजिए। देखिए 3 और 3 6, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32, और 32 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 4 से इस बचेगा, और 4 का मतलब बुधवार, हमारा आंसर होगा बुधवार, ठीक है ना। अब ऐसे ही लीप वर्ष का एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 10 दिसंबर 2016 को कौन सा वार था? 10 दिसंबर 2016 को कौन सा वार था? तो तारीख की जगह पर तारीख, दिसंबर का कोड क्या होगा? 6। अब वर्ष तो लीप वर्ष है, लेकिन कोड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर का पूछा गया है। यदि जनवरी फरवरी से पूछा जाता तो कोड चेंज हो जाता, तो दिसंबर का वही कोड रहेगा 6 प्लस 16। लीप वर्ष कितने हैं? 16 में 4 का भाग दीजिए, 4 चौका 16 प्लस 20 यानी 2000 के लिए 6 भाग दीजिए 7 का, 10 और 6 16 16 दूना 32 और 4 36, 36 और 6 42, 42 में हम 7 का भाग देंगे, 7 की 42, 0 शेष आएगा, और 0 शेष के लिए कौन वो क्या वार होगा? शनिवार, ठीक है। अब और एग्जांपल ले क्या नहीं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।